हेलो दोस्तों, वेलकम। आपको होम टेक्स एंड टिप्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आरओ का पानी और साधारण पानी में क्या फर्क होता है, और कुछ प्रश्न हैं जिनको मैं पूरा क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, ये सब बात शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का बटन वीडियो के नीचे मिलेगा। चलिए दोस्तों, ये हैं प्रश्न जिनको आपको उत्तर मिलेगा और जिनके बारे में आपको सटीक जानकारी मैं दूंगा। पहला दोस्तों ये रहेगा कि टीडीएस क्या होता है, टीडीएस कितना होना चाहिए, टीडीएस कम या ज्यादा होने के क्या फायदे और क्या नुकसान है, नॉर्मल व्यक्ति के लिए कितना टीडीएस का पानी पीना चाहिए, टीडीएस कम और ज्यादा होने पर पानी में क्या बदलाव आते हैं, और टीडीएस को कैसे चेक करें। तो दोस्तों इन सबों के सभी सवालों के उत्तर मैं आपको दूंगा, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है आपको विद प्रूफ के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक गिलास में ये साधारण पानी डालता हूँ जिसका मैं आपको टीडीएस बताऊंगा। तो ये दोस्तों इसमें ये साधारण पानी डाल रहा हूं मैं। दोस्तों ये इसका टीडीएस चेक करते हैं अपन। ये मैंने डाल दिया है, इसका टीडीएस दोस्तों 647। यानी ये बहुत ज्यादा ज्यादा टीडीएस है दोस्तों, बहुत ज्यादा टीडीएस है। अब दोस्तों मैं एक आरओ का पानी डालता हूं इसमें। ये दोस्तों 87 आप लोगों को दिख रहा होगा, इसका टीडीएस दोस्तों 87 है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको ये होल्ड करके और पास से दिखा देता हूं। ये दोस्तों इसका 88 है। क्या है दोस्तों, ये टीडीएस हर जगह का अलग अलग होता है, हर पानी का अलग अलग होता है। तो दोस्तों ये इस तरीके से ये टीडीएस है। तो दोस्तों ये टीडीएस को हम ये टीडीएस मीटर से चेक करते हैं। ठीक दोस्तों, अब मैं बताता हूं आपको कि टीडीएस होता क्या है। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टोटल डिजोल्व सॉलिड। आने पानी में जो हार्डनेस, जो कठोरता होती है, उसको हम टीडीएस कहते हैं। देखा होगा आपने दोस्तों, आपके घर में पानी में यदि खार वगैरह जमता हो या पानी में आने सफेद सी परत जम जाती है ऊपरी तरफ पे, जिससे क्या होता है कि पानी का टेस्ट भी बेकार लगता है और मजा नहीं आता पीने में। आरओ का पानी अच्छा पानी माना जाता है, ये बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। और दोस्तों जिनके घर में यदि कोई पेशेंट है, जैसे शुगर का पेशेंट है, बीपी का पेशेंट है, या कोई किडनी स्टोन वाला है, तो दोस्तों उनको डॉक्टर ही सलाह देता है कि आरओ का पानी पीना चाहिए। और दोस्तों कई लोगों ने ये झूठी अफवाहें फैलाई हैं कि आरओ के पानी से कैंसर होता है, ये होता। दोस्तों अभी तक कोई प्रमाण नहीं है और किसी ने ये सर्टिफाइड नहीं किया है। यदि ऐसा होता तो ये डॉक्टर सलाह नहीं देते। तो दोस्तों अपन सिर्फ जो प्रूव्ड है और जो डॉक्टर सलाह देते उस पर चले। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ आगे कि टीडीएस तो अपन ने चेक कर लिया, इसके बाद हार्ड टीडीएस में, कम टीडीएस में और ज्यादा टीडीएस में पानी में क्या फर्क होता है। तो एक मिनट दोस्तों मैं आपको वाटर चेक करके दिखाता हूं। ये दोस्तों ये मशीन है, दोनों सेम टाइम में उसका टीडीएस चेक, टीडीएस के बारे में बताएगी। ये पानी को थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसकी जो स्थिति रहेगी आपको मैं बिल्कुल नजदीक से दिखाऊंगा कि हार्ड टीडीएस में पानी का कितना गंदापन है और कितना क्या है। आपका ने पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा आज, जो भी डाउट है आपके मन में। और दोस्तों इस सीरीज में आपको सभी प्रकार के वीडियो मिलेंगे। मैं 4-5 वीडियो डालूंगा कि किसके घर में कितना टीडीएस है, तो उधर पे कौन सी मशीन लगना चाहिए, कौन सा आरओ लगना चाहिए, कौन सा यूवी लगना चाहिए। आने A to Z सवाल का आपको उत्तर मिलेगा। तो दोस्तों ये वाला हो चुका है, ये साधारण पानी था जिसका मशीन द्वारा अपन टेस्ट करेंगे, और ये रहा दोस्तों आरओ वाटर। दोनों को दोस्तों सेम टाइम अपन गर्म करेंगे तो दोनों में यानी पानी से जो मशीन से होगा इसमें दोस्तों आपको अलग फर्क आएगा समझ में। आरओ का जो पानी रहेगा उसमें जो व्हाइटनेस है वो नहीं रहेगी। और दोस्तों आगे बात करते हैं
टीडीएस कम या ज्यादा होने पर क्या फायदा और क्या नुकसान है? दोस्तों ज्यादा टीडीएस का पानी पियोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम है क्रिएट होंगी, आप ज्यादा बीमार पड़ेंगे और उसका जो खार वगैरह रहेगा आपके शरीर को नुकसान करेगा। और कम टीडीएस का पानी रहेगा तो वो आपके शरीर को बैलेंस बनाए रखेगा, क्योंकि कम टीडीएस के पानी में मिनरल्स भी रहते हैं, सब सारी चीजें ऐड रहती हैं और जो अशुद्धियां हैं वो निकल चुकी होती हैं। और दोस्तों नॉर्मल व्यक्ति के लिए टीडीएस कितना होना चाहिए, ये अधिकतर लोगों का प्रश्न रहता है। इसका उत्तर है दोस्तों, नॉर्मल टीडीएस जो एक अच्छा हर माना जाता है, वो माना जाता है दोस्तों 100 से 150। 50 टीडीएस भी लोग पीते हैं कम, 50 बहुत कम होता है। इसमें ये प्रॉब्लम होगी, यदि आप बाहर का पानी पियेंगे तो आपको सर्दी जुकाम होगी, तो इसलिए आप 100 से 150 का टीडीएस का पानी पिए, 100 से 150 के बीच का टीडीएस रखें, 80 भी रख सकते हैं। तो आप इतना टीडीएस रखेंगे तो आपको बाहर के पानी में भी दिक्कत नहीं जाएगी और आप हमेशा स्वस्थ से रहेंगे। और दोस्तों नॉर्मल व्यक्ति के लिए जो टीडीएस है 100 से 150, यदि कोई बीमार व्यक्ति है या पेशेंट है तो दोस्तों उसके लिए कम से कम 50 टीडीएस का पानी पीना चाहिए। जैसे कोई किडनी स्टोन वाला है या कोई बीमार व्यक्ति, उसको 50 का पीना चाहिए, बाकी व्यक्ति को नॉर्मल पीना चाहिए। और ज्यादा और कम टीडीएस होने पर पानी में क्या बदलाव आता है? तो दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव है कि आरओ का पानी को आपको बिस्लरी बॉटल आपने पी है वो आरओ का पानी रहता है, तो ये पानी आपको मीठा लगेगा। और दोस्तों बाकी जो साधारण पानी रहेगा उसका टेस्ट अलग रहेगा। तो इसका चेक करने का एक और अच्छा तरीका बताऊं मैं आपके लिए, यदि आपके पास मीटर नहीं है या कोई सुविधा नहीं है, आप सिंपली ये कर सकते हैं, 1 गिलास आपके आरओ का पानी पिए, 1 गिलास साधारण नल का पिए। यदि दोनों में डिफरेंस चल रहा है, यानी मशीन सही चल रही है, यदि दोनों सेम लग रहा है तो इसका मतलब है आपकी मशीन वर्क नहीं कर रही है। ये एक सिंपल तरीका है जिसको आप जज कर सकते हैं। और टीडीएस को कैसे चेक करें? तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये, टीडीएस चेक करने के लिए बेहतर तरीका है टीडीएस मीटर, इससे आप टीडीएस चेक करें। अब दोस्तों मैं आपको ये दोनों पानी दिखा सकता हूँ। देखिए दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं ये साधारण पानी, इसको मैं 1 मिनट दोस्तों ये दिखाता हूँ। दोस्तों ये है दोस्तों साधारण पानी, आप देखिए दोस्तों ये साधारण पानी में जो कितना वाइटनेस है, और ये दोस्तों आरओ का पानी, इसमें बल्कि अपन ने मशीन ज्यादा देर लगाई फिर भी ये बहुत क्लियर है। और ये इसमें आप देखिए गंदगी का स्तर, आप ऐसे समझ सकते हैं कौन सा ज्यादा खराबी है। आरओ फिर भी बहुत स्तर तक ठीक कर देता है। तो दोस्तों ये आप नीचे तरफ से देखिए दोनों सेम है, और मैं आपको ये आरओ के पानी का ये हटा के दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए आप, ये आरओ के पानी का है, ये आपको क्लियर दिख रहा है। और दोस्तों ये हटाता हूँ मैं साधारण पानी का, ये देखिए दोस्तों इसमें कुछ गंदगी का स्तर ज्यादा है, ये देखिए ये इधर दिखाई दे रहा है, ये व्हाइटनेस आने मोबाइल के कैमरे के कारण आपको उतना सही नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खराब पानी दिख रहा है। और ये देखिए दोस्तों इसमें बिल्कुल नाम मात्र का व्हाइटनेस है, कोई ज्यादा नहीं है, नाम मात्र की है। और इसमें देखिए साधारण पानी बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपके जो जो भी आंसर थे, जो भी क्वेश्चन थे, उनके आंसर दिए। और दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं कौन सा किस जगह का टीडीएस पर क्या लगना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक वीडियो की पूरी सीरीज दूंगा जो कि आगामी 2-4 दिन में लगभग 4-5 वीडियो रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।